नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को हमारे YouTube चैनल बाइनरी आइडियाज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या करें जिसे हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब जल्दी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में। कंप्यूटर का ओ लेवल कोर्स है दोस्तों, जो कि इन्फॉर्मेशन आज हम आपको बताने वाले हैं। और ओ लेवल कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ओ लेवल कोर्स है क्या। तो दोस्तों, ओ लेवल कोर्स कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है, जो कि एक CS डिप्लोमा कोर्स के बराबर माना जाता है। इसका फुल फॉर्म ऑर्डिनरी लेवल होता है। इस डिप्लोमा कोर्स को सबसे पहले डोएक सोसाइटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, पर अब इसका नेम बदलकर NELET रख दिया गया है और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप CCC ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ओ लेवल कोर्स एग्जामिनेशन के बारे में। यह कोर्स एक साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको साल में 2 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई के 2nd वीक में कराया जाता है और इसका क्वालिफिकेशन 12 पास होना होता है। तो चलो, अब हम बात करेंगे ओ लेवल कोर्स कैसे करें। ओ लेवल कोर्स आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला खुद से कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको NELET की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा है, आप इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोर्स कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। मतलब आप 5 साल तक कभी भी अपने अकाउंट से लॉगिन करके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम फीस के बारे में बात करेंगे। अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो आप ओ लेवल कोर्स 4,000 से लेकर 4,500 तक कर सकते हैं, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे तो इस कोर्स को करने के लिए आपको कम से कम 12,000 से 15,000 रुपये तक लग सकता है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स में आपको 2 सेमेस्टर में थियोरी प्रैक्टिकल देने होते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट जमा करना होता है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 4 पेपर देना होता है प्लस 1 प्रैक्टिकल। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको ये 4 पेपर देने होंगे। पहला है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, 2nd है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, 3rd है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज, 4th है दोस्तों मल्टीमीडिया या ICT। आप इसमें से कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं। पर दोस्तों, अब NELET ने ओ लेवल का एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि अब यह पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, 2nd है वेब डिज़ाइन एंड पब्लिशिंग, 3rd है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन यानी कि पाइथन, और 4th है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आपको ओ लेवल पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको 40 क्वेश्चन का OMR शीट पर सॉल्व करने होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है, और एग्ज़ाम का यह पार्ट 40 नंबर का होता है, जिसमें आपको पास करने के लिए कम से कम 20 नंबर लाने जरूरी होते हैं। और पार्ट 2nd में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें थ्योरी पेपर होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, और इसमें भी आपको 60 में से 30 नंबर लाना जरूरी होता है। फिर लास्ट में आपको प्रैक्टिकल देना होता है, जिसमें 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का वाइवा होता है, यानी टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 50 नंबर पाना जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, NELET ओ लेवल का रिजल्ट एग्ज़ाम के 2 महीने बाद पब्लिश किया जाता है, जिसे आप NELET की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट ग्रेड के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं
ओ लेवल कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना कंप्यूटर डिप्लोमा देना होता है, जो कि आपका कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल सर्टिफिकेट काम आता है। तो सेकंड दोस्तों, आजकल प्राइवेट जॉब के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो उसके लिए आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट बहुत बेस्ट होता है, जिसमें आपको शुरुआत में कम से कम 18 से 20 हज़ार से स्टार्टिंग होता है दोस्तों। ये सैलरी आपको बहुत ज़्यादा 50 हज़ार से ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका प्रोग्रामिंग कितना अच्छा है और आपका कंप्यूटर नॉलेज जो आपने ओ लेवल के दौरान लिया था वो कितना अच्छा है दोस्तों।